एक तरफ जहां देश भर में पाखंडी बाबा दुष्कर्म के मामले को लेकर चर्चा में है, वहीं बाड़मेर में भी एक पाखंडी बाबा ने तांत्रिक विद्या से इलाज करने के बहाने एक परिवार से नजदीकियां बढ़ाई और फिर 17 वर्षीय किशोरी को भगा ले गया। मामला बाड़मेर के निकटवर्ती गेहूं गांव का है। अब किशोरी के परिजन पुलिस से मामले में दखल देने के साथ किशोरी को जल्द से जल्द तांत्रिक के चुगुल से मुक्त करवाने की मांग कर रहे हैं। बाड़मेर जिला मुख्यालय से महज 10 किलोमीटर दूर स्थित गेहूं गांव में एक 17 साल की नाबालिग का अपहरण कर ले जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। गेहूं गांव के एक परिवार ने महिला पुलिस थाने में 26 मई को बाबा के खिलाफ नाबालिग का अपहरण कर भगाने का मामला दर्ज कराया है। महिला थाना पुलिस में मामला दर्ज होने के बाद आसपास के इलाकों में पाखंडी बाबा और नाबालिग की तलाश की गई, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। घटना के 35 दिन बाद 5 थानों की अलग अलग टीमें तलाश में जुट गई है। मैं कोई ठीक हुई को नहीं के क्योंकि बाबू की रात बड़ी 4 साल पहले आई, तो एक बार संदर वास्ते आए थे बेचंद दिन बस भाई सेन के बाबू ठीक है ये तू तो ठीक हो उम्र बुलाने मारे 2-3 महीना ठीक हुई उसके बाद में तो आगे तुम्हारी मुर्गी आती पड़े एकदम बेहोश पड़ती हुई 8-10 महीने में बुलाता घड़ी घर बच्चे तब भी ठीक रहती हूँ घड़ी घर ठीक रहती हूँ महीने में बुलाता पड़ा फोन भी करता था महीने में तो 3-4 बार करता था फोन तो पहले दिखाई बाद में भी दिखाई बाद में दिखाई तो ठीक हुई बाद में दिखाने राखड़ी बांधी 2 महीना हूँ मारे घर हूँ और मारो भाई हो जाए ये मार बसाने के मारे बहन बनाए तब भी ठीक लुक बो तो बीमार था नहीं दिखना घरे कौन तो बच्चे हुआ घरे तुम्हारा मोटो चोर हो तो वो तो हमारी बुआ रही थी हमारी बूढ़ी माँ थी पुलिस तो सा कार्रवाई की कुल के कर रहे हैं कोई कह खड़े में पड़ा हुआ तो लेके देखो पुलिस जाएगा बताइए भैया डेली एक दिन छोड़े बीजे में डेली जाता थोड़े जवाब दिनों को तेरे साहब मैं तो पूछ हमारे भाई साहब ने बात की तो भाई साहब को चंदो दे के क्योंकि दूध पड़ता हाई कोर्ट और मामलों को दर्ज कर दिया साहब छोरा तो मजदूरी करता चुको तो है बाबर गेहूं गांव निवासी एक महिला ने रिपोर्ट देकर बताया कि उसे पेट व सिरदर्द की शिकायत रहती थी। इस वजह से जादू टोना करने के लिए एक पाखंडी बाबा मोहन राम उर्फ मोहन भगत पुत्र नारायणा राम निवासी सम्मोह की ढाणी सेड़वा ने उसके घर पर आना जाना शुरू किया। उसके बाद उसकी 17 वर्षीय बेटी को भी पेट व सिरदर्द होने पर उसका जादू टोना से इलाज करने लगा। इस बीच बाबा कई बार उसके घर पर भी रुकता था। 24 मई की रात पाखंडी बाबा उसकी बेटी का अपहरण कर ले गया। इसके बाद अब तक दोनों का कोई सुराग नहीं लगा। ढोंगी बाबा तांत्रिक विद्या से विभिन्न बीमारियों का इलाज करने का दावा करता था, इसी वजह से ये परिवार भी बाबा के जाल में फंस गया। अभी तक इसमें इन्वेस्टिगेशन में ये सामने आया है जो बालिका है और जो तांत्रिक है वो आपस में फोन पे संपर्क में थे। उसके बाद एक रोज ये तांत्रिक बच्ची को लेके साथ में निकला है। उसके बाद कुछ वीडियो फुटेज हमें पोखरण साइट से मिले हैं जिसमें ये वहाँ पे अपने कपड़े वगैरह चेंज करता है और भेष वगैरह बदलता है। उसके बाद हमने इसमें 3-4 टीमें भी और साइंटिफिकली भी हम इसमें हर तरह से हर पहलू से देख रहे हैं और हम दस्तयाबी की कोशिश कर रहे हैं। तो सर ये तांत्रिक का बैकग्राउंड क्या है, क्या पहले भी ये इनके परिवार में पहले से ही इनकी जान पहचान थी और जो इसका पूर्व का कोई आपराधिक रिकॉर्ड वो मुझे अभी चेक करना पड़ेगा, उसमें मैं श्योर नहीं कि इसका कोई है। वैसे कोई ऐसा पूर्व का आपराधिक रिकॉर्ड इसका सामने नहीं आया। घर तक पहुंचने का कैसे इसमें पूरा ये जाल कैसे बिछाया इसके बारे में? इसमें जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ भी ये लड़की के संपर्क में आया, उसके बाद लड़की से लगातार निरंतर ये मोबाइल पे टच में था और आपस में इनकी बात होती थी और लड़की का जो फ़ोन है उसमें सिर्फ और सिर्फ इस तांत्रिक से बात होना सामने
नाम वाली की पर्यावरण ये भी कह रहे कि वो हमारे यहाँ तबीयत खराब होती थी तो वो सही करने के लिए आता था। ये इस तरह की कुछ बातें आई हैं जिसके बाद ही इनकी इसकी घर में एंट्री शुरू हुई है और बाद में धीरे धीरे इसकी बातचीत बढ़ी है और बाद में मोबाइल पे ही बात होनी शुरू हुई है। तो सर पशु बलि देना इस तरीके की भी चीज़ें निकलती, ये बात ऐसी अभी तक तो सामने नहीं आई कोई ऐसी। पिछले 2-3 दिन से पुलिस की एक टीम बाड़मेर से हरिद्वार पहुंच चुकी है जहां बाबा को ढूंढ रही है। पुलिस को शक है कि बाबा ने दाढ़ी मूछें काट ली है और वेश बदल लिया है ताकि पहचान में नहीं आए। पुलिस को उम्मीद है कि जल्द ही ढोंगी बाबा को गिरफ्त में लिया जाएगा और जल्द ही किशोरी को सुरक्षित उसके घर वालों तक पहुँचाया जाएगा।